जब आप कोई मोटर व्हीकल को परचेज करते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो या इसके अलावा कोई और मोटर व्हीकल भी हो सकता है, तो जब वो आप परचेज करने जाते हैं तो आपको कुछ एडिशनल टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो एडिशनल टैक्स है आपको किस सिचुएशन के अंदर पे करना पड़ता है, उसका रेट क्या रहता है और क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जो टैक्स आपने वो पे किया है आप उसका रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी ही चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा और आपको सारी ही क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपसे एक एडिशनल टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो उस टैक्स को हम बोलते हैं TCS। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो गवर्नमेंट है उसने सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई कि जब वो सेलर जो है गुड्स सेल करेगा बायर को, तो वो जो इन्वॉइस रेज किया जाएगा उस इन्वॉइस के अंदर ये एडिशनल टैक्स भी जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो गुड्स हैं, ये बहुत सारे गुड्स होते हैं, सारे तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट यहाँ जो गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो मैं बात कर रहा हूँ मोटर व्हीकल की। तो किसी भी कार डीलर के द्वारा जब कोई मोटर व्हीकल सेल किया जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सेलर की या कार डीलर की कि वो उस इनवॉइस के अंदर जो है एडिशनल टैक्स जो कि TCS है उसको जरूर रिकवर करे बायर से। तो ये जो कंसेप्ट है TCS का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 के अंदर और इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F। तो इस सेक्शन के द्वारा जो भी आपके मोटर व्हीकल सेल किए जाते थे तो उनको जो है TCS के दायरे में लाया गया था। तो इसका पर्पस क्या रहा होगा, ये जरूर आपकी जानने की दिलचस्पी रहेगी कि ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा क्यों किया गया। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये जानना चाहती थी कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि एक लिमिट से ज़्यादा की गाड़ी परचेज़ करते हैं, ताकि ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा सके और ये जाना जा सके अगर ऐसे लोग अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं तो उनसे टैक्स की रिकवरी की जाए, या आप बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू लीकेज है टैक्स की फॉर्म में उसको रोका जाए। तो जब वो सेलर आपसे TCS रिकवर करेगा तो वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा आपके पैन के ऊपर। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि ये जो पर्सन है मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर XYZ, उसने इस साल में इतने की कार जो है वो परचेज़ की है। तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी जो इनकम है आपकी ITR जो है वो देखेगी पिछले कुछ सालों की और ये जानने की कोशिश करेगी कि ये जो पर्सन है ये 15, 20, 50 लाख की जो गाड़ी परचेज़ कर रहा है, क्या इस पर्सन की ITR इतने की इसने फाइल की है, या सपोज़ आपने पिछले सालों में ITR फाइल नहीं की, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, आपका ये फर्स्ट ईयर ही है, सपोज़ 2023-24 में ही आपकी जॉब लगी है और आपने अभी गाड़ी परचेज़ कर ली है, आप पिछले सालों में कोई ITR फाइल नहीं करते थे, तो उस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट देखेगी क्या 2023-24 के अंदर आपने ITR फाइल की है जो कि आप नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 2024-25 में फाइल करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है आपकी इनकम को आपके खर्चों से मैच करवाती है और गवर्नमेंट को यदि उसके अंदर कुछ गैप नज़र आता है तो फिर आपको नोटिस सेंड करती है और आपसे वो सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहती है या वो सोर्स ऑफ मनी जानना चाहती है कि अगर आपकी इनकम बहुत कम है या आप ITR फाइल करते ही नहीं हैं तो आपके पास ये पैसा कहाँ से आया कि आपने जो है इतनी महंगी गाड़ी जो है परचेज़ कर ली। तो इसका जो पर्पस है मेनली यही पर्पस है। तो चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि वो वैल्यू क्या रहने वाली है कि जब सेलर आपका TCS जो है डिडक्ट करता है और किस रेट के ऊपर डिडक्ट करता है। तो देखिए, जब भी आप कोई कार परचेज़ करने जाएंगे तो वो जो कार डीलर है आपसे TCS कलेक्ट कर लेगा अगर आपकी जो कार की वैल्यू है या आप बोल सकते हैं जो इनवॉइस वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है। तो इस इनवॉइस वैल्यू को दोस्तों बोला जाता है एक्स शोरूम प्राइस। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है, देखिए इसका मैंने नीचे आपको नोट दिया है, एक्स शोरूम प्राइस में ये तीन चीज़ें कवर नहीं की जाती हैं, एक तो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, RC चार्जेस जिसको आप बोलते हैं, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आप एक्स शोरूम प्राइस के अंदर इन तीनों को भी ऐड कर देंगे तो वो फिर आपकी ऑन रोड प्राइस आ जाएगी। तो ये जो TCS चार्ज किया जाता है ये आपका एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो जो सेलर है जब आपको वो इनवॉइस को रेज करेगा तो उसके अंदर 1% का जो एडिशनल टैक्स है जिसको आप TCS बोलेंगे, तो 1% का एडिशनल टैक्स भी आपसे क्लेम कर लेगा और सारा ही अमाउंट आपसे रिकवर कर लेगा। तो उसके अंदर जो 1% एडिशनल उसने रिकवर किया है ये अमाउंट वो गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर के ऊपर जमा करवा देगा। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड चला जाएगा कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी जो है परचेज़ की है। तो इसका जो पर्पस है सेक्शन का इंट्रोड्यूस करने का, वो यही पर्पस था।
तो देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है बायर, तो बायर का मतलब क्या है, तो बायर के अंदर हर तरीके का पर्सन जो है इंक्लूड हो जाता है, बट ये पर्सन जो है एक्सक्लूड किए गए हैं। मीन्स अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि एंगेज्ड है बिजनेस या पैसेंजर में, या लोकल अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 के अंदर बताई गई है, तो इस तरीके के पर्सन को एक्सक्लूड किया गया है। मीन्स अगर इस तरीके के पर्सन कोई मोटर व्हीकल को बाय करते हैं, इवन उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा भी होगी, तो जो सेलर है वो इनसे TCS जो है वो चार्ज नहीं करेगा। तो इनको एक एक्सक्लूड किया गया है बायर के डेफिनेशन से। और दूसरा देखिए, मैंने एक वर्ड यूज़ यहाँ पे किया गया है कि जो ये सेल किया जाएगा कार डीलर के द्वारा, जो यहाँ पे बायर होगा वो अल्टीमेट कंज्यूमर या जनरल पब्लिक होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मोटर व्हीकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेल किया जाता है, जैसे मारुति हो गया, हुंडई हो गया, महिंद्रा हो गया, ये कुछ एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, ये जब अपने प्लांट में गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे तो उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ये सेल करते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये आपके अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं है, तो ये जो TCS लगाया जाता है ये वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर जो बायर हो वो अल्टीमेट कंज्यूमर हो। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपके अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं होते हैं, इसलिए जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर होगा जैसे मारुति, हुंडई और महिंद्रा, अगर वो अपनी कार को सेल करेगा इन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो इनसे TCS को चार्ज नहीं करेगा। तो ये इस तरीके के कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो चलिए, ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था 10 लाख रुपीज़ वाला और 1% TCS चार्ज होगा, इसका एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी जो है इस पर मिल जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ दो केस मैंने ले लिए हैं। पहले केस में मैंने TCS जो है लगा दिया है एक बिल के अंदर, और जो सेकंड केस है इसके अंदर TCS चार्ज नहीं किया गया है। तो देखिए, पहले केस में मैं मान के चलता हूँ कोई XYZ आपने कार परचेज़ की जिसकी जो वैल्यू थी वो 8 लाख रुपीज़ थी, इसके ऊपर 28% GST लग गया जिसकी वैल्यू आई 2,24,000, और इसके अलावा कुछ दोस्तों इसके ऊपर सेस भी लग जाता है जो कि 1% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी कार कौन सी है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये तीनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपकी टैक्स को मिलाकर जो टोटल वैल्यू आएगी, इसी को हम एक्स शोरूम प्राइस बोलते हैं। तो देखिए, अब आपकी ये जो एक्स शोरूम प्राइस है ये आपकी 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो इस केस में ये जो आपका कार डीलर होगा फर्स्ट केस में, ये इसके ऊपर 1% TCS चार्ज कर लेगा जो कि होगा 10,320। तो आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो 10,42,320 की पे करनी पड़ेगी उस कार डीलर को, जिसमें से जो कार डीलर ये आपसे टैक्स उसने चार्ज किया था, TCS जो चार्ज किया था, ये वो आपका जो है गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। इसी तरीके से सेकंड केस में देखिए, जो कार की प्राइस थी वो 7 लाख रुपीज़ थी, इसके अलावा GST था 1,96,000 का और सेस था 1% का। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो कार की वैल्यू है इंक्लूडिंग टैक्स, जिसको आप बोलते हैं एक्स शोरूम प्राइस, वो केवल 9,03,000 ही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख रुपीज़ से कम है। तो यहाँ पर जो कार डीलर है, देखिए उसने किसी भी तरीके का TCS चार्ज नहीं किया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब जो है आपके आपसे जो कार डीलर है वो TCS जो है चार्ज करेगा। तो 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू होगी इनवॉइस वैल्यू, तभी TCS आपसे चार्ज किया जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो TCS ये आपसे चार्ज किया गया है कार डीलर के द्वारा, तो क्या आप इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं? तो चलिए वो भी एक बार हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो भी TCS आपसे चार्ज किया जाता है कार डीलर के द्वारा, क्योंकि वो जो TCS आपसे कलेक्ट करता है वो क्या करता है, इसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देता है आपके पैन कार्ड के ऊपर, तो बिल्कुल आप इसका जो है रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो आपका TCS उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया होगा, तो ये आपके 26AS में भी नज़र आ जाएगा, और इसके लिए जो वो कार डीलर है, सेलर है, वो आपको फॉर्म 27D भी जो है देगा। तो फॉर्म 27D आपको दे देता है, तो आप मान के चलिए कि उसने आपके नाम से आपके पैन नंबर के ऊपर जो है वो TCS गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं 26AS के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, रिफ़ंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पर आपको क्या होगी, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होगा, और आपकी जो भी इनकम है आपकी, वो सारे ही सोर्सेज आपको यहाँ पर ऑनेस्टली इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दिखाने होंगे। तो उसके बाद जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे, तो देखिए अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है अगर वो TCS की अमाउंट से कम होगा तो आपको अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। अब सपोज़ करें आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 10,000 रुपीज़ थी, और जो आपका TCS जो डिडक्ट किया था और जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया गया था उस कार डीलर के द्वारा, वो 15,000 था।
तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो केवल 10,000 थी, बट आपका TCS जो कटा था वो 15,000 कटा था, तो इस केस में 5,000 का आपको रिफंड मिल जाएगा। और उसी तरीके से देखिए, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर 15,000 की होती और TCS आपका जो है वो 10,000 रुपीज़ का होता, तो उस केस में जो ये आपका TCS है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाता और जो बैलेंस 5,000 होता वो आपको पे करना पड़ता गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था TCS ऑन कार को लेकर, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि मैंने कार परचेज करी, उसके ऊपर टैक्स जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया गया डीलर के द्वारा, तो मुझे इसका रिफंड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर कहाँ पर दिखाना होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था इन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी को लेकर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।